अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया था फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन को कम या ज़्यादा करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले कौन सा फैक्टर है? इफेक्ट ऑफ pH ऑन एब्जॉर्प्शन। इसमें दो तीन बातें हैं जो हमें याद रखनी है। एक तो ये कि जो ड्रग्स होती हैं वो मेम्ब्रेन से कब इजीली पास आउट करती हैं, जबकि वो अनचार्ज्ड हों, यानी कि उनके ऊपर कोई चार्ज ना हो, पॉजिटिव माइनस कोई चार्ज ना हो, तो वो इजीली मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकते हैं। ये पॉइंट ठीक है। और जो मोस्ट ड्रग्स होती हैं, मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं वो वीक एसिड या बेसिस होती हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट के जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो आयोनाइज फॉर्म में चार्ज होती हैं, और जो बेसिक ड्रग्स होती हैं वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में चार्ज होती हैं, ठीक है। जो एसिडिक ड्रग्स होते हैं वो आयनाइज्ड होने के बाद चार्ज फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, और जो बेसिक ड्रग्स होती हैं वो पहले उनके ऊपर चार्ज होता है और आयनाइज्ड होने के बाद उनके ऊपर चार्ज खत्म हो जाता है। यानी कि इसको हम आयनाइजेशन होने से पहले जो फॉर्म होती है एसिडिक बेसिक की, इनको प्रोटोनेटेड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। प्रोटोनेटेड और अनआयनाइज्ड फॉर्म, अनआयनाइज्ड फॉर्म को हम प्रोटोनेटेड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। ये दो बातें होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसिड है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में या अनआयनाइज्ड फॉर्म में इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। बेसिक ड्रग्स जो होती हैं वो आयनाइज्ड होने के बाद अपनी आयनाइज्ड फॉर्म में क्या होगी, ईजिली क्रॉस होंगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? तो ड्रग्स की आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म की जो रेशियो है कि जो एसिड या बेसिक ड्रग्स कब आयनाइज्ड या अनआयनाइज्ड फॉर्म में होंगी, तो वो कैसे पता चलती है? जो अब्जॉर्प्शन साइट होती है, अब्जॉर्प्शन साइट की पीएच और पीकेए से हमें पता चलता है कि एसिडिक ड्रग्स कितनी आयनाइज्ड हैं और बेसिक ड्रग कितनी आयनाइज्ड है, ठीक है। पीएच क्या होती है? पीएच होती है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो सॉल्यूशन में इजीली हाइड्रोजन आयन दे सकें, जो इजीली सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दे सकें, उनको क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। और पीएच क्या होती है? पीएच नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो पीएच की वैल्यू कम होगी, और जब हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम होगी, इनके वीक एसिड होगा, पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी। जब हम एक स्केल पीएच स्केल है, ठीक है, इसमें इस तरह से वैल्यूज होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल होती है, 7 से पीछे होते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये क्या होते हैं? एसिडिक। पीएच की वैल्यू क्या होती है? एसिडिक, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी। कंपाउंड है वो इजीली हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में दे रहा है, तो इसका मतलब वो एसिडिक है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, और जब पीएच की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी तो वो क्या होती जाएगी? बेसिक होती जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम होती जाएगी। जो कंपाउंड है वो क्या है? बेसिक है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन को ईजिली सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है, कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, तो पीएच की वैल्यू कम होगी, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम है, ठीक है, वीक एसिड है, तो पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। इस तरह से केए है, के क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। के किसी एसिड की डिसोसिएट करने की स्ट्रेंथ, ठीक है। जब वो सोल्यूशन में इजीली हाइड्रोजन आयन दे देगा, इसका मतलब कि वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पीके क्या होता है? पीके होता है नेगेटिव लॉग ऑफ के, ठीक है। अब नेगेटिव लॉग ऑफ के का क्या मतलब है? जब के ज़्यादा होगा तो पीके की वैल्यू कम होगी, मीन्स के ए ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है? हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज़्यादा है। इसमें बताया ना, के ए ज़्यादा हो, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो के ए ज़्यादा है, ठीक है। देखिए ना, हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो के ए की वैल्यू भी ज़्यादा है। पी के क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ के है तो पी के की वैल्यू
कम कम होगी, ठीक है। के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पी के की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब क्या है कि जो ड्रग है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इसी तरह से जब के ए की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कम है, के ए की वैल्यू कम है, तो पी के की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ड्रग क्या होगी, वीक एसिड, ठीक है। ये देखिए ना, पी के ए कम है तो ड्रग क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, पी के ए की वैल्यू ज़्यादा है तो ड्रग क्या है, वीक एसिड है, एसिड इज वीक, ठीक है। यही बात इसमें बताई हुई है नीचे लास्ट पे, ये मैंने इसीलिए लास्ट पे नहीं पढ़ाई, अब पढ़ाने लगी हूँ। बताने लगे कि द लोअर द पी के ऑफ कंपाउंड द मोर एसिडिक इट इज, एंड द हायर द पी के द मोर बेसिक द ड्रग, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। डिफरेंट स्टडीज से पता चला है कि जब किसी एब्जॉर्प्शन साइट की पीएच कम हो और पीके ज़्यादा हो तो प्रोटोनेटेड, यानी कि प्रोटोनेटेड या अनआयनाइज्ड फॉर्म जो कि एसिड के लिए अनचार्ज है और बेसिक की चार्ज है, वो उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जब पीएच ज़्यादा हो और पीके कम हो तो डीप्रोटोनेटेड या आयनाइज फॉर्म जो कि एसिड की चार्ज फॉर्म होती है और बेसिक की अनचार्ज फॉर्म होती है। इसका मतलब कि जब पीएच कम होगी और पीके ज़्यादा होगी तो कौन सी ड्रग अब्जॉर्ब करेगी, एसिडिक, क्योंकि इस पे चार्ज नहीं है, बेसिक के ऊपर चार्ज है। और जब पीएच ज़्यादा है और पीके कम है तो कौन सी ड्रग अब्जॉर्ब होंगी, बेसिक, क्योंकि आयनाइज फॉर्म में बेसिक के ऊपर चार्ज नहीं होता, तो ये वाली फॉर्म इजीली अब्जॉर्ब हो जाएगी, बेसिक फॉर्म, ठीक है। तो अब हम जीआईटी को जब हम देखते हैं तो स्टमक में क्या होती है, स्टमक की पीएच कम होती है, यानी कि स्टमक की पीएच एसिडिक होती है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। स्टमक की पीएच एसिडिक होती है, इंटेस्टाइन की बेसिक होती है, 9, 10, 11, 12, ठीक है। इंटेस्टाइन की पीएच ज़्यादा होती है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, जब पीएच कम हो और पीके ज़्यादा हो तो कौन सी फॉर्म प्रोमिनेंट होती है, अनआयनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। जब अनआयनाइज्ड फॉर्म प्रीडोमिनेंट होगी तो कौन सी ड्रग एब्जॉर्ब करेंगी, एसिडिक। एसिडिक ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होगी, स्टमक से। और जब पीएच ज़्यादा हो और पीके कम हो तब ड्रग किस फॉर्म में होती है, आयनाइज फॉर्म में। और आयनाइज फॉर्म में जो बेसिक ड्रग्स होती हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं। सिंपली जो एसिडिक ड्रग्स होंगी वो स्टमक के पीएच एसिडिक होती हैं, जो एसिडिक ड्रग होगी वो एसिडिक मीडियम से एब्जॉर्ब होगी, स्टमक से एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, ये याद रख लें। और जो बेसिक ड्रग्स होंगी, इंटेस्टाइन की पीएच बेसिक होती है, जो बेसिक ड्रग्स होती होंगी वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है वो है ब्लड फ्लो एट दी एब्जॉर्प्शन साइट, यानी कि अगर एब्जॉर्प्शन साइट पे ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है, ड्रग ने कहाँ पे एब्जॉर्ब होना है, ब्लड में एब्जॉर्ब होना है, तो जब ब्लड ज़्यादा किसी जगह पे ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो ब्लड फ्लो टू द इंटेस्टाइन इज ग्रेटर देन ब्लड फ्लो टू द स्टमक, इंटेस्टाइन में जो ब्लड फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है स्टमक की निस्बत, तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया क्या होता है, कितनी कितना एरिया जो है वो एक्सपोज हो रहा है हमारा ड्रग के साथ, ठीक है। कम एरिया एक्सपोज होगा तो कम ड्रग एब्जॉर्ब होगी, ज़्यादा एरिया एक्सपोज होगा तो ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगी। इंटेस्टाइन जो होती है उसमें क्या होता है कि माइक्रोविलाई होते हैं, माइक्रोविलाई की वजह से इंटेस्टाइन का एरिया ज़्यादा होता है, जो कि 1000 फोल्ड ज़्यादा होता है स्टमक से, इसलिए इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास ड्रग है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, इसको हमने वाटर में डाला है, ठीक है, ये आस्ते आस्ते डिजोल्व होगी, पहले ऊपर वाली लेयर डिजोल्व होगी, फिर अंदर वाली, फिर उससे अंदर वाले मॉलिक्यूल्स एक्सपोज होंगे, ठीक है। और जब हम इस ड्रग को हम इस तरह से पीस के डालेंगे, इसके मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए, यहाँ पे क्या क्या था कि पहले एक मॉलिक्यूल डिजोल्व होता है फिर उसके बाद दूसरा, इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे,
एक ही बार में सारे मॉलिक्यूल डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है, यही बात इंटेस्टाइन के साथ भी है। तो इंटेस्टाइन में क्या होता है कि छोटे छोटे माइक्रोविलाई होते हैं जो कि इसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा कर देते हैं माइक्रोविलाई। और इसमें जो ब्लड की पेनिट्रेशन भी जो हम पहले पढ़ी है कि ब्लड की जो सप्लाई भी होती है वो इसी वजह से इसमें ज़्यादा होती है कि छोटे छोटे माइक्रोविलाई होते हैं, इसमें छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, ब्लड सप्लाई भी इसमें ज़्यादा होती है जिसकी वजह से फिर एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाती है। कॉन्टैक्ट टाइम एट द एब्जॉर्प्शन सरफेस, एब्जॉर्प्शन साइड पे ड्रग को रहने का टाइम ज़्यादा मिलेगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ड्रग क्विकली पास कर जाती है स्टमक से, क्विकली पास कर जाती है GIT से, तो क्या होता है कि उसको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो एब्जॉर्ब हो सके। क्या होता है कि तब एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। ऐसा किस में होता है? ऐसा डायरिया में होता है। जब डायरिया होता है तो क्या है, GIT की मोटिलिटी इंक्रीज हुई होती है, ज़्यादा होती है। ड्रग जो होती है वो उसका कॉन्टैक्ट टाइम कम होता है, हो जाता है, एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है। जब ड्रग आहिस्ता आहिस्ता पास करेगी, ठीक है, ऐसी चीज़ जो ड्रग की मूवमेंट को स्लो कर देते हैं GIT से, वो क्या कहते हैं, वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जब ड्रग आहिस्ता आहिस्ता पास करेगी, ज़्यादा कॉन्टैक्ट टाइम होगा उसके पास, तो आहिस्ता आहिस्ता पास करेगी तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी ब्लड में। फूड जब होती है स्टमक में तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाती है, स्लो स्लो ड्रग एब्जॉर्ब होती है और ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है, ज़्यादा कॉन्टैक्ट टाइम मिलता है उसको एब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन। पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती हैं? ये होती हैं मल्टी ड्रग ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं। मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं। ये क्या कहती हैं, ज़्यादातर इनका क्या काम होता है कि ये ड्रग को सेल से बाहर निकाल देती हैं। ड्रग को सेल से बाहर निकालने में इनका मेनली फंक्शन होता है। तो जहाँ पे पी ग्लाइकोप्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम होगा, क्योंकि ये ड्रग को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, ड्रग को दोबारा सेल से बाहर निकाल देती है, इसलिए ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी। तो लीवर में क्या करती है, लीवर में ये ड्रग ट्रांसपोर्ट करती है बाइल में एलिमिनेशन के लिए। ठीक है, किडनी में क्या करती है, किडनी में ब्लड से यूरिन में ये पंप कर देती है, जिससे क्या उसके बाद क्या होती है, इसकी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाती है ड्रग की। प्लेसेंटा में भी अगर ड्रग बेबी टिश्यू में चली जाती है तो ये क्या करती है, बैक मेंटेनर ब्लड में इसको भेज देती हैं। क्या इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, इंटेस्टाइन में जो ड्रग होती है उसको बैक इंटेस्टाइन ल्यूमन में एब्जॉर्ब कर देती हैं, क्या ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, ड्रग को ब्लड से बैकवर्ड इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट कर देती हैं और उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। तो ब्रेन में भी क्या करती हैं, ड्रग को सेल से बैक कर देती हैं ब्लड में और फिर ब्रेन में ड्रग की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे सेकंड पैरामीटर ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स जो कि डिस्ट्रीब्यूशन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।